नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नई साल से यह तीन गलती करने से दूर रहे। जी हां दोस्तों, और आप देखेंगे कि अगले 7 दिनों के अंदर जो होगा कभी सोचा नहीं होगा। आप सभी को बता दें कि नई साल में आप यह वीडियो जरूर ही देख लें, अन्यथा आपको बहुत ही बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है और जो आपकी किस्मत का धन है वह भी आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि दोस्तों, आप अनजाने में ही सही लेकिन गलती कर बैठोगे। अगर आप आज के इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो हम आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 7 दिनों के अंदर आप मालामाल हो जाओगे। या समय नए साल की शुरुआत में ही कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिल जाएगी। या खुशखबरी सुनकर आप घर घर जाकर 50 किलो मिठाई बांटना होगा। इतनी बड़ी कामयाबी आप सभी को मिलने वाली है। आपके दुश्मन जल्दी राख हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आपने अपने जीवन काल में सुख का कोई फल अब तक नहीं देखा। दोस्तों, जो पैसा कमाते हैं वह इधर से आता है और उधर चला जाता है। जो थोड़ी बहुत आप मदद कर भी पाते हैं तो उसे ज्यादा लंबे समय तक संभाल नहीं पाते हैं। किसी ना किसी बहाने या कारण से वह बचत भी आपकी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अभी तक आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती थी, तू तो कोई नई परेशानी खड़ी हो जाती थी। अभी तक आपके जीवन काल में कई समस्याएं आपको घेरे बैठी थीं। अपने जीवन काल में आप कभी दिल से खुशी नहीं हो पाए हैं, साथ ही लोग भी आपको परेशान करते रहते हैं। आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है। जो बात आप कहना चाहते हैं लोग उसकी खिल्ली उड़ा देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत सारे ऐसे दिन आई हैं जिनमें आप अपने आंसुओं को लेकर बैठे हैं, फिर भी आप अपने दिल का हाल नहीं बता पाए हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। यह वीडियो आपके जीवन काल की एक एक परेशानी को जड़ से खत्म ना कर दे तो फिर कहना दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं, जो समाधान बताने वाले हैं दोस्तों, आप उन्हें बिल्कुल ही ध्यान से सुने। इसलिए आज की इस वीडियो को तू पूरा देखें, भूल कर भी इसे मिस ना करें। दोस्तों, यह आपके जीवन का सवाल है। आपके जीवन काल में जो परेशानियां कई वर्षों से चली आ रही हैं, उन सभी परेशानियों का समाधान हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों, आपकी परेशानी 100% समाप्त हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी, इस बात का हम आपसे दावा करते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मां दुर्गे के सच्चे भक्त कमेंट में पूरे भक्ति भाव से माता को याद करते हुए जय मां दुर्गे अवश्य लिखें। दोस्तों, याद रखें, जिनके साथ है माता दुर्गा उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुश्मन आपको कभी भी कुछ नहीं देख सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज आपने नोटिस जरूर की होगी कि जब कभी भी आप सफल होते हैं, आप प्रसन्न होते हैं, जब भी आपको कोई चीज आपकी मेहनत से मिलती है तो यह दुश्मन आपके खिलाफ कुछ ना कुछ इस षड्यंत्र अवश्य रचते रहते हैं, जिससे आपके अच्छे दिन आपसे छीन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह तो बात है उन दुश्मनों की जो बाहर के हैं, लेकिन उन दुश्मनों का क्या है जो आपके अपने हैं, आपके घर में बैठे हैं, आपके नजदीक बैठे हैं, जो आपको चैन से जीने नहीं देना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन आपके आसपास ही कई ऐसे लोग हैं जो आपको हर किसी भी खुश नहीं देखना चाहते हैं। आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, लेकिन बाहर से ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि भी आपके बहुत ही खास हैं, बहुत ही सगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए मन में विश्व खोलकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसे दुश्मन बहुत खतरनाक होते हैं, जो छुपे रहते हैं, अपने बनकर हमारे नजदीक रहते हैं। इनसे आपको सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप बड़ी ही संतोषी प्रवृत्ति के इंसान हैं। यदि आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं मिला, छोटा मोटा ही मिल गया, तब भी आपने जैसे तैसे अपना गुजारा कर लिया, अपना काम चला लिया है। किसी के सामने आपने अपना रोना कभी नहीं रोया है, लेकिन आप दूसरों को खुशी देने में बहुत विश्वास रखते हैं। आप अपनी खुशियों का, अपने अरमानों का गला घोंटकर भी दूसरों को खुशियां देते रहते हैं। आपकी ही बात कर रहे हैं, आप भी कभी आज तक कदर हो नहीं पाई है। जैसा आप दिल से साफ और बड़े ही प्रेमी स्वभाव के इंसान हैं, वैसी आपको कभी इज्जत और सम्मान मिल नहीं पाया है। लोग दिखावे के तौर पर आपको बाहर बाहर से तो सम्मान देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए गिरना पाल कर बैठे हैं। जी हां दोस्तों,
आपकी कभी कदर भूल नहीं पाई है और आश्चर्य की बात यह है कि चीन के लिए आपने अपना सब कुछ न्योछावर किया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। यहां तक कि आप हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचते रहे, लेकिन उन लोगों ने कभी भी आपकी फीलिंग्स की, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि हर इंसान की सहन शक्ति की एक सीमा होती है, फिर भी हम आपकी राशि वाले जातकों की सहन शक्ति अपार होती है। आप कितना ही परेशान हो जाएं, कितनी ही तकलीफ हो में गिर जाएं, फिर भी आप दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं, अपनी हौसले कभी कमजोर होने नहीं देते हैं। यही तो आपकी राशि की बहुत बड़ी खूबी है। आपकी यही खूबी आपको एक दिन बहुत कामयाब बनाती है। दोस्तों, आप मन ही मन अपना कुछ करने का, अपना कारोबार करने का, आत्मनिर्भर बनने का ख्याल रखती हैं और सपने भी देखते हैं। इसी की वजह से आप कई ऐसे कार्य करते भी रहते हैं जिनमें आपको परेशानियां भी हासिल होती हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी कामयाबी है भी हासिल होने जा रही है। जी हां दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि आप लोग किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं जानते हैं। दूसरों के सामने भीख मांगना और गिड़गिड़ाना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे इसके बदले में आपको कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े। आप अभी सब सहेली थी हैं, लेकिन अपनी आत्मसम्मान के साथ आप कभी भी समझौता नहीं करते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के जातक जिस बात को अपने मन में ठान लेते हैं उस बात को पूरा करके ही मानते हैं। आपकी राशि के जातक कुछ जिद्दी स्वभाव के होते हैं और इसी जिद के चलते एक ना एक दिन बड़े लक्ष्य भी हासिल कर ही लेते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं और दूसरों की दया पर नहीं पड़ते हैं। और दोस्तों, यही हाल आपका तब होता है जब आप किसी के साथ प्रेम में होते हैं, जब आप किसी से प्यार करते हैं, तो आप बड़े ही सच्चे दिल के साथ उनसे जुड़ जाते हैं। उनकी छोटी से छोटी बात भी आपको बहुत महत्व रखती है। आप हर वक्त उनके ख्यालों में खोए रहते हैं। उनकी छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी खुशी को आप पूरा करना चाहते हैं। सच्चे दिल से आप प्रेम करते हैं, लेकिन दोस्तों, फायदा क्या है? आप अपने दिल की हर एक बात अपने सामने वाले को खुलकर बताते हैं, हर एक बात उसे अपने सच्चे दिल से बताते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है, आपकी हर एक बात को ठुकरा देता है। आपकी भावनाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में फिर आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंचती है, जो आपको कष्ट मिलता है, वह बड़ा ही असहनीय है, बहुत ही तकलीफ दी है। जी हां दोस्तों, लेकिन आप यह सब भी सह लेते हैं। दोस्तों, आपकी राशि की खूबी यही है कि आप लोग सभी कष्ट हंसते हुए सह लेते हैं। आपकी सहनशीलता अपार होती है। दोस्तों, आप लोग समझदार होने के साथ साथ बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। आप लोग किसी पर आंच नहीं आने देते हैं, हमेशा दूसरों के भले के बारे में ही सोचते रहते हैं, अपना भला बाद में सोचते हैं। और आपके मन में एक विशेष बात यह चलती रहती है कि जब भी आप अपने भले के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि आप स्वार्थी हो रहे हैं, लेकिन यह सही नहीं है। इस संसार में हमें अपने बारे में, अपने भले के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, आपके सामने यदि कोई बहुत परेशान है, बेचारे की हालत खराब है, तो आप हर हाल में उसकी मदद करेंगे। आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, फिर आप अपने बारे में बिल्कुल ख्याल भी नहीं करेंगे। अपना सब कुछ देखकर भी उसे खुश करने की, उसके जीवन में खुशियां लाने की पूरी कोशिश करेंगे। यह आपकी दयालुता का बहुत बड़ा प्रमाण है और हम आपसे दावे के साथ कहते हैं। दोस्तों, की एक बार अपने मन में विचार करके देखिए, आपने कई बार दूसरों की मदद उस हाल में की है जब आप बिल्कुल भी मदद करने की स्थिति में नहीं थे, और उसके बाद फिर आप खुद बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर भी आपने दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटे। दोस्तों, यह सब अच्छी बात है, हम कह रहे हैं कि आप ऐसा करें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातक हमेशा दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान कराते रहते हैं, अपने जीवन में कहीं पीछे छूट जाते हैं, दूसरों को आगे बढ़ा देते हैं, तो इस चक्कर में आप कई चीजों से दूरी बना लेते हैं, या यूं कहें कि सफलता से आप पीछे छूट जाते हैं। दोस्तों, इन सब बातों में एक और बात बहुत खतरनाक है कि आपके भोलेपन का कई शातिर लोग लाभ भी ले जाते हैं। जी हां दोस्तों, आपने यह महसूस किया होगा कि कई बार लोग बड़े ही चालाकी के साथ में, बदमाशी के साथ आपकी भावनाओं का लाभ ले लेते हैं, और बाद में आप ठगा हुआ सा महसूस करते हैं,
तो अब आपको हम बताएं कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आपने अब सतर्कता नहीं अपनाई, अब आप अपने जीवन में बहुत बड़े गड्ढे में गिरने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अपना भोलापन त्यागना होगा। दुनिया इतनी सीधी सच्ची नहीं है जितनी आप इसे मानकर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब आपको अपने मन में एक संकल्प करना है कि अब आप अपना यूज नहीं होने देंगे। अब आप दूसरों को किसी भी हाल में अपना यूज नहीं करने देंगे। और दोस्तों, हम आपसे कहते हैं कि आप सच्चे दिल से अपने हृदय पर हाथ रखकर बताइए कि हम जो बातें आपको बता रहे हैं, क्या यह बातें आपके साथ नहीं हो रही हैं? यदि हो रही हैं तो आप कमेंट करके अवश्य बताना हमें। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो उस तो तू दोस्तों, अब हम आपसे बता दें कि अब आपको अपने मन में संकल्प करना है कि अब आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी है। इन लोगों को सबक सिखाना है और इन लोगों को वह करके दिखाना है जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये दोस्तों, और यकीन जानिए कि अब आपका अच्छा समय आ चुका है। अब आपकी ग्रहों की चाल बहुत सुंदर हो चुकी है और आपके अनुकूल हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों हैं, लेकिन इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना हर बार की तरह आप फिर से वही गलती तो हर आएंगे और आप सफलता हासिल करने से फिर से चूक जाएंगे, या कोई छोटी मोटी सफलता हासिल करने के बाद फिर से असफलता की ओर कदम बढ़ा देंगे। जी हां दोस्तों, आपका दिल बहुत बड़ा है, हम जानते हैं यह बात। तो जब आप कामयाब होना शुरू होंगे, आपके जीवन में खुशहाली आएंगे, लोग आपसे फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपकी कदर नहीं की, आपका सम्मान नहीं किया, आपकी इज्जत नहीं की, ऐसे लोग भी आपसे फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, आपसे माफी मांग लेंगे, आपसे प्रेम पूर्ण बर्ताव करेंगे, लेकिन वह सब नकली होगा। आपको याद रखना होगा, आपको उन्हें किसी भी हालत में माफ नहीं करना है, वरना आप फिर से मुसीबत में फंसेंगे। तो दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि अब आपका मान सम्मान कब वापस आएगा, अब आपकी सफलता फिर से कैसे आपको प्राप्त होगी। तो आपको बता दें कि इस कलयुग में शनि देव, न्याय के देवता कहीं जाते हैं, कर्म के देवता कहे जाते हैं, और शनि देव की आपके ऊपर पूरी दृष्टि है, पूरी कृपा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रहों की चाल के मुताबिक शनि देव बहुत सुंदर हो चुकी है और आपके अनुकूल हो चुकी है। जी हां दोस्तों हैं, लेकिन इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना हर बार की तरह आप फिर से वही गलती तो हर आएंगे और आप सफलता हासिल करने से फिर से चूक जाएंगे, या कोई छोटी मोटी सफलता हासिल करने के बाद फिर से असफलता की ओर कदम बढ़ा देंगे। जी हां दोस्तों, आपका दिल बहुत बड़ा है, हम जानते हैं ये बात। तो जब आप कामयाब होना शुरू होंगे, आपके जीवन में खुशहाली आएंगे, लोग आपसे फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपकी कदर नहीं की, आपका सम्मान नहीं किया, आपकी इज्जत नहीं कि, ऐसे लोग भी आपसे फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, आपसे माफी मांग लेंगे, आपसे प्रेम पूर्ण बर्ताव करेंगे, लेकिन वह सब नकली होगा। आपको याद रखना होगा, आपको उन्हें किसी भी हालत में माफ नहीं करना है, वरना आप फिर से मुसीबत में फंसेंगे। तो दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि अब आपका मान सम्मान कब वापस आएगा, अब आपकी सफलता फिर से कैसे आपको प्राप्त होगी। तो आपको बता दें कि इस कलयुग में शनिदेव, न्याय के देवता कहीं जाते हैं, कर्म के देवता कहे जाते हैं, और शनिदेव की आपके ऊपर पूरी दृष्टि है, पूरी कृपा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रहों की चाल के मुताबिक शनिदेव अभी वक्री अवस्था में है, इस वजह से आपके ऊपर शनि की कृपा बनी हुई है, शनि आपके ऊपर पूरी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, इस समय आपको बड़े ही संभल कर चलना है। जी हां दोस्तों, शनिदेव जिस पर कृपा करते हैं उस पर खुलकर खुशियां बरसती हैं, लेकिन गलतियों की भी कोई गुंजाइश नहीं होती है। याद रखना दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता हैं, यदि आपने एक गलती भूल से भी कर दी तो शनि उसकी सजा आपको अवश्य देंगे, आपको माफी नहीं मिलेगी, तो आपको भूल से भी नहीं करनी है। कुछ बातें जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, अब आपके अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है, कलयुग की तीव्रता, स्वयं शनिदेव महाराज ने आपका हाथ पकड़ लिया है, शनिदेव अब आपके साथ हैं, आपकी खुशियां अब आपका इंतजार कर रही हैं। जी हां दोस्तों हैं, जिन लोगों ने आपके साथ बुराइयां की हैं, उन्हें एक एक करके शनिदेव स्वयं दंड देंगे, भी अपने कर्मों का फल खुद ही भागेंगे। दोस्तों,
याद रखना है कि आपको बदले में कुछ नहीं करना है। आपको किसी के खिलाफ अपने मन में कोई गलत विचार भी नहीं लाने हैं। आपकी अच्छाई ही आपकी सफलता की सीढ़ियां बनी कि जी हां दोस्तों, जिस पर शनि देव कृपा करते हैं, यदि वह मन से सच्चा और अच्छा इंसान है तो शनि देव खुलकर उस पर कृपा बरसाते हैं। जी हां दोस्तों, हर एक काम में सफलता दिलाते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी गतिविधि का बड़ा से बड़ा लाभ आपको मिलता है। जी हां दोस्तों, लेकिन आपको बदले में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका विशेष ख्याल रखना होगा। अपने कर्म और वचन जितना हो सके उतना साफ रखें, अच्छे रखें। इस अवस्था में आपको किसी के लिए भी मन में बुराई नहीं लानी है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि कल शाम से आपके ऊपर शनि की पूर्ण कृपा बरसने वाली है। शनिदेव आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना लेंगे। इसके बाद आपको हमारे द्वारा बताई गई सावधानियों का विशेष ख्याल रखना है। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नए चरण की शुरुआत होगी। उसके बाद आने वाले कुछ महीनों तक शनिदेव की कृपा आपके ऊपर लगातार बनी रहेगी। फिर आप जो चाहे वह करें, आपको भरपूर सफलताएं प्राप्त होंगे, लेकिन आपको बहुत सावधानियां भी रखनी होंगी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं पालना है। जैसे आप कोई भी गलत काम ना करें, जैसे किसी की ईद के पीछे बुराई या ना करें, किसी को बुरा भला ना कहे, जुआ शराब जैसी हरकतों में शामिल ना हो, गलत लोगों की संगत ना करें, किसी को बुरी दृष्टि से ना देखें, गलत नजर से किसी को भी ना देखें। जी हां दोस्तों, अपने मन में आने वाली हर एक गलत भावना को क्या करें, जितना हो सके उतना संयम के साथ साफ सुथरा जीवन जी है तो शनि देव आपके उन्हीं कर्मों की जो आप अब तक करते चले आ रहे हैं उनका ही कई गुना परिणाम आपको दिल पाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आपका समय आ चुका है। अब आपके हर एक दुख का हिसाब समय स्वयं आपको देखा, आपकी भावनाओं की कद्र भी होगी, आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा। हम आपको बता दें कि कोई माने या ना माने, लेकिन शनि देवल आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा दृष्टि फंसाने जा रहे हैं। कई सौ सालों के बाद आपकी कुंडली में इतना बड़ा राजयोग बना है जो आपको रंक से राजा बनाने जा रहा है। अब आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, समाज में आपकी इज्जत आपके कद पड़ने जा रहा है। अब आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, पूजा आराधना करते रहे शनि देओल आपसे प्रसन्न बने रहेंगे। अगर हो सके तो शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं और छायादान भी अवश्य करें। 11 शनिवार तक आपको यह गडरिया करनी है, छायादान अवश्य करें। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शनिवार के दिन ही आपको यह करना है और हो सके तो अपने घर के पूजा घर में सरसों के तेल का एक दीपक शनि देव के नाम से चलाना शुरू कर दें। फिर आप देखें कि आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार घटित होने लगेंगे। फिर आप देखेंगे दोस्तों के आपके काम धंधे रोजगार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। नौकरी में भी आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। जिन जातकों की नौकरी नहीं लग पा रही है उन्हें अच्छी अच्छी जगहों से नौकरी के ऑफर आने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, याद रखना है कि आपको अपना कर्म सच्चे मन के साथ करना है। आपको कर्म करने में बिल्कुल आलस नहीं दिखाना है। अगर मैं आपको अपनी सच्चे मन से करेंगे तो आपको विशेष सफलताएं बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त होंगी। आपके मार्ग में कई सफलता के मौके अब आपका इंतजार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आपको महिलाओं का अपमान भूले से भी नहीं करना है। यदि आपका अपमान हो भी रहा है तो आपसे पहले लेकिन किसी महिला का पलटकर अपमान ना करें। हो सकता है कि वह आपकी परीक्षा हो जो स्वयं शनिदेव ने आपके लिए निर्धारित की हो, तो इसे ऐसा ही देखें और बदले में आप किसी महिला का भूल कर भी अपमान ना करें और पैसे रुपए से जुड़े फैसले बड़े ही सोच समझ कर ले। किसी बड़ी निवेश में जाने से पहले किसी अनुभवी इंसान की सलाह की आवश्यकता रहेगी। बड़ी सोच समझकर कोई बड़ा निवेश करें। हालांकि आपको नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने यदि गलत निवेश किया तो आपको नुकसान होने के कुछ मौके अवश्य दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि इस समय में आपके आय के ऐसे ऐसे स्रोत खुलेंगे, ऐसे ऐसे नए स्रोत बनेंगे जिनके बारे में आप हैं सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा। आपकी आय के नए स्रोत शुरू हो जाएंगे। आपको बस सच्चे मन से मेहनत करते रहना है, प्रयास करने में पीछे नहीं हटना है। दोस्तों, इस समय आपकी यदि कोई कार्य रुके पड़े थे तो अब उनमें गति आ जाएगी
और जल्द से जल्द भी कार्य संपूर्ण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। प्रेमियों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो उस तो यदि आपके प्रेम में किसी प्रकार की रुकावटें आ रही थी, तो अब आपका प्रेम सफल हो जाएगा। आपके प्रेम में जो रुकावट एक ही वे दूर हो जाएंगे और आपके प्रेम को उसकी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। दांपत्य जीवन में भी यदि कोई परेशानी थी, किसी प्रकार की चीज और खींचतान चल रही थी, तो धीरे धीरे यह समाप्त होने लगेंगे और दांपत्य जीवन बहुत ही सुंदर होने लगेगा। फिर भी दोस्तों, हम आपको यह सलाह देंगे कि आपको अपने जीवन साथी के मन की बातों को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनसे बर्ताव करना होगा, नहीं तो आप फिर से परेशानियों में गिर जाएंगे और जीवन का असली सुख यानी दांपत्य सुख से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, अब शनिवार के दिन आटा और शक्कर मिलाकर काली चींटियों को अवश्य खिलाएं। इसी के साथ ही दोस्तों, शनिवार के दिन काला तिल, काला कपड़ा, कंबल और लोहे के बर्तन आप गरीबों में दान अवश्य करें। दोस्तों, साथ ही साथ शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और चने अवश्य खिलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। दोस्तों, आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए, क्योंकि जो लोग हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें शनि के किसी भी प्रकार के दोष नहीं लगते हैं, और न केवल शनि के बल्कि अन्य कई ग्रहों के दोष भी उन्हें परेशान नहीं करते हैं, जैसे मंगल तो शुक्र दोष वगैरह है। इसी के साथ ही दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय माता दी लिखें।